दोस्तों सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अद्भुत रामायण और उत्तर रामायण के अनुसार माता सीता रावण की बेटी थी। अब सोचने वाली बात है, माता सीता अगर रावण की बेटी थी तो रावण सीता माता से शादी क्यों करना चाहता था? तो चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। एक बार की बात है, रावण अमरता के वरदान के लिए तपस्या करता है, तो उसके तप से हर जगह जलने लगती है, जिसकी वजह से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और रावण के तप को बंद करने की प्रार्थना करते हैं। अब ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं की बात सुनकर रावण के पास जाते हैं और रावण को वरदान मांगने को कहते हैं। तो रावण बोलता है कि मुझे अमर रहने का वरदान दीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी अमर रहने के वरदान को देने से मना कर देते हैं और बोलते हैं इसके अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो रावण एक वरदान मांगता है जिसमें वो कहता है कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर, अप्सरा इनमें से कोई भी ना मार सकें, ऐसा वरदान दो। अब ब्रह्मा जी रावण को तथास्तु कहकर वरदान देकर अपने लोग वापस लौट जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर रावण ने एक बड़ी गलती की थी, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सी गलती थी। वरदान मिलने की वजह से घमंड में जो भी उसके सामने आ रहा था उसे मारता जा रहा था। अब ऐसे ही क्या हुआ, एक बार रावण दंडगाय पहुंच गया और दंडगाय पहुंचने के बाद में जितने भी ऋषि मुनि थे वहां उन्हें मारना शुरू कर दिया। उनके पास में एक रखा कमंडल, उसमें उनका रक्त इकट्ठा कर लिया। अब जो रावण ने कमंडल उठाया था वो गस्मत ऋषि का था। गस्मत ऋषि के 100 पुत्र थे, उनके पास पुत्री नहीं थी, तो माता लक्ष्मी से पुत्री के लिए प्रार्थना करते थे और भोग के लिए थोड़ा सा दूध उस कमंडल में डालते थे जिसमें रावण ने रक्त इकट्ठा किया था। अब रावण उस कमंडल को लेकर लंका पहुंच जाता है और लंका पहुंचने के बाद में इस कमंडल को अपनी पत्नी मंदोदरी को देते हैं और बोलते हैं इसमें जो रक्त है बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, तो इसे सबसे दूर रखना। वैसा कहकर रावण तो अपने घमंड में था, मद्रांचल चला जाता और वहीं रहना शुरू कर देता है। और यहाँ पर लंका में मंदोदरी रावण का इंतजार करते करते परेशान हो जाती है। अब गुस्से में वो मरने की सोचती है तो उसे याद आता है जो रावण ने जहरीला रक्त दिया था उस कमंडल को मैं पी लेती हूँ। तो दोस्तों उसको पीने के बाद में मंदोदरी मरने की बजाय प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ पर मंदोदरी डर जाती है, अब उसके राज्य के लोग क्या सोचेंगे कि गर्भवती कैसे हुई, तो इस वजह से मंदोदरी तीर्थ यात्रा बताकर जनकपुर में एक खेत में जाकर अपनी बच्ची को जन्म देती है और उस बच्ची को एक घड़े में रखकर जमीन में गाड़ देती है और वापस लंका लौट जाती है। अब मंदोदरी जहाँ पर उस बच्ची को गाड़ती है वहाँ के राजा का नाम होता है जनक, जो अकाल की वजह से भगवान इंद्र को खुश करने के लिए खुद एक राजा होते हुए खेतों में हल जोत रहे थे और उसी समय उनका हल धरती में अटक जाता है। तो जब राजा जनक उसे देखते हैं तो उन्हें कलश मिलता है। जब कलश को खोलते हैं तो उसमें एक नवजात कन्या मिलती है। उसके बाद में राजा जनक उसे धरती माँ की कृपा मानकर उस बच्ची को अपना लेते हैं और हल्की नोक की वजह से, जो हल्की जो नोक होती है उसे सीत कहते हैं, तो तभी से उस बच्ची का नाम सीता रखा। अब बात आती है रावण सीता से विवाह करना चाहता था। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ना रावण को मालूम था ना मंदोदरी को मालूम था, क्योंकि मंदोदरी को ये लगा था कि मैं जिस बच्ची को गाड़ के आई हूँ वो शायद मर चुकी होगी और रावण को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। और ये माता सीता की ये कहानी अद्भुत रामायण और उत्तर रामायण में आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन सबसे प्रामाणिक जो रामायण है उसे बोलते हैं वाल्मीकि रामायण, उसमें ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि रावण की बेटी सीता थी। आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आए। कहानी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।